और अभी हम लोग फिलहाल जबलपुर पहुंच चुके हैं। सुबह उठकर ब्रश कर फ्रेश होकर मैंने ये वाला बिस्किट खाया। मैं जो घर का बना हुआ है और यह है लिट्टी। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह का 7:45 हो चुका है और मेरे हाथ में कॉफी है, तो अभी सुबह सुबह कॉफी पी रहे हैं और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठे हैं। तो अभी हम लोग 7:45 हो रहा है और अभी हम लोग फिलहाल जबलपुर पहुंच चुके हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे जबलपुर का सिंगिंग बोर्ड भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ देर के लिए ट्रेन रुकती है। तो आगे आपको ब्रश वगैरह करने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, तो ब्रेकफास्ट करेंगे तो दिखाएंगे कि हमारा ब्रेकफास्ट क्या है। तो अभी फिल्हाल कॉफ़ी पीते हैं, आप पी लिए कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सुबह में उधर बैठा हुआ सो गाइस, मैंने ऑलरेडी सुबह उठकर ब्रश कर फ्रेश होकर मैंने ये वाला बिस्किट खाया। मेरे पास दो टाइप्स के बिस्किट हैं, एक है क्रीम वाला जो मैजिक उसका नाम है, और एक है हैप्पी हैप्पी जो आप जानते होंगे। तो आप दोनों में से कौन सा बिस्कुट खाए हैं वो कमेंट कीजिएगा। और ये बिस्कुट मैंने कल मैजिक खाया था, तो आज मैंने ये बिस्किट खाया। इसका टेस्ट अच्छा ही था क्योंकि इसके अंदर डायरी मिल्क का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायरी मिल्क का छोटा छोटा पार्ट रहता है, तो ये बहुत ही टेस्टी बन जाता है। और ये पूरा बिस्किट चॉकलेट से बना रहता है, तो गाइज ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आपने कौन सा बिस्कुट खाया है कमेंट करना ना भूले, और मेरे पापा को सपोर्ट कीजिए क्योंकि वो इतना देर आपके लिए उतना मेहनत कर रहे हैं, सारे जगह जाके व्लॉगिंग बना रहे हैं, ये बहुत ही हार्ड होता है। सो गाइस प्लीज मेरे पापा को सपोर्ट कीजिए, थैंक यू गाइस। तो इस चैनल पे बने रहिएगा, कभी ये चैनल को मत छोड़िएगा, आपको अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट मिलेगा। और जो एंटरटेनमेंट आपको चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे पापा वो देंगे। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, एंड यू हैव टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सुबह सुबह ब्रश हो चुका है तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट करेंगे तो ब्रेकफास्ट में क्या है वो आपको दिखाते हैं। तो ब्रेकफास्ट में है लिट्टी, जो बिहार का सबसे फेमस खाना होता है, और ये है आलू का चटनी जो घर का बना हुआ है, और ये है लिट्टी। तो अभी हम खाएंगे लिट्टी और आलू का बना हुआ चटनी, तो काफ़ी टेस्टी होता है। अभी बहुत लोग लिट्टी नहीं जानते हैं कि लिट्टी कैसे बनता है। तो लिट्टी जो है इसमें चना का सत्तू और काफ़ी सारा मिश्रण करके इसमें अंदर फिलअप किया जाता है, तो आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इसमें फिलअप किया हुआ है मसाला, जो चना का सत्तू के साथ काफ़ी अदरक लहसुन सब चीज़ डाल के इसमें फिलअप किया जाता है, उसके बाद ऑयल में फ्राई किया जाता है, तो काफ़ी टेस्टी होता है। तो चलिए पहले खाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं। बट शुभम जो है देख रहा है कि हमको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो एटलीस्ट शुभम भी दो बात बोलेगा। तो गाइज मैंने आपको कल बताया था हम लोग होममेड फूड का सफर कर रहे हैं। तो गाइज ये रहा लिट्टी और हमारा चटनी। तो गाइज ये मेरा फेवरेट फूड है, यहाँ तक कि मैं इसको बहुत ही अच्छे से खाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो गाइज ये रहा आलू का चटनी जिसमें बहुत सारे मसाला मिक्स किए हुए हैं और मिर्ची भी डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज इसके अंदर जो सत्तू रहता है, ये रहा सत्तू थोड़ा बहुत। तो गाइज ये सत्तू मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसमें नींबू डाल के लेमन का रस जो होता है वो डाल के बना जाता है और ये बहुत ही चटपटा बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। सो गाइस आप कभी सफर करें तो आप मेरी मम्मी से इसका रेसिपी ले सकते हैं। सो गाइस जब भी आपको अगर चाहिए या अगर आप खाना चाहते हैं तो गाइस कमेंट में कीजिएगा कि हमें एक रेसिपी चाहिए लिट्टी का, मेरी मम्मी आपको बना के देगी, पर आपको कमेंट तो करना ही पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि आपको और सारे ऐसे फूड के आइटम देखने को मिलेंगे जो आप नहीं जानते हैं और आपको बहुत सारा एंजॉयमेंट मिलेगा। सो गाइस वीडियो पे बने रहिएगा, इस वीडियो को मत छोड़िएगा। सो गाइस डोंट स्किप एंड डोंट गो एनीवेयर बाय वॉचिंग द वीडियो। सो गाइस बाय एंड
इफ यू वांट टू टेस्ट इट प्लीज कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स. ओके गाइस बाय. जब हम लोग इटारसी स्टेशन पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी खाना का ऑर्डर दिए हुए थे, तो अभी खाना आ चुका है. तो खाना दिखाते हैं आपको कि क्या खाना है. ये थाली लिए हैं, तो इसमें चार चपाती है और राइस है, प्लस रायता है, और इधर दाल है, और इधर पनीर का सब्जी है, प्लस इधर आपको सलाद है. तो खाना काफी अच्छा दिया है. तो इटारसी स्टेशन पे हम लोग बुक किए थे, तो वहाँ पे आके दे दिया है. तो अभी हम लोग खाना खाएंगे. खाना खाने के बाद आपको आगे का भी व्यू कराते रहेंगे, तो वीडियो भी बने रहिए. तो एक बार और आपको व्यू कराते हैं खाना का अच्छे से. तो गाइज, हम लोग का बिहार टू बेंगलोर का सफ़र गजब रहा, बड़ा मज़ा आया. आपको भी मज़ा आया होगा. और अभी हम लोग रीच हो चुके हैं बेंगलोर. तो अभी से आप लोग को जो भी ब्लॉग होगा वो बेंगलोर का ब्लॉग दिखाएंगे. तो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन कृष्णा राजपुरम उतर के अभी हम लोग घर के तरफ रवाना हो चुके हैं. तो ऑलरेडी हम लोग कैब में बैठ चुके हैं, बट टाइम नहीं होने के कारण आपको उतरते हुए नहीं दिखा पाए हैं. तो अभी घर चल के घर पे फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर से आपको कल से आपको डेली ब्लॉग आते रहेगा, जो कि बेंगलोर का रहेगा और काफ़ी मज़ा आएगा. तो कंटिन्यूस बने हुए रहिए वीडियो पे. तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए धमाल के साथ. तब तक के लिए बाय. और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा बिहार टू बेंगलोर का सफ़र आपको कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा.